तो अभी इट हैज़ बीन अबाउट 8 years सिंस यू हैव स्टार्टेड योर फाउंडेशन. आपके फैमिली फ्रेंड्स कैसे सोच रहे हैं इन सब के बारे में? देखिए, मैं अगर अपने सबसे पहले फैमिलीज के बारे में बोलूँ तो मेरी मदर 2006 में एक्सपायर हो गई थी. मेरे सेकंड बच्चा 2000 में, तो उसके बाद में थर्ड बच्चा उसने नहीं देखा. 2010 में मेरे फादर ने जरूर तीसरा बच्चा देखा था, लेकिन उसी साल वो भी एक्सपायर हो गए. उनका सिर्फ एक ही शब्द था कि भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी, तेरे को नहीं लेना होगा. वो इसके अलावा, मतलब वो भगवान के अलावा इधर उधर नहीं सोचते थे. जहाँ तक मेरे भाई साहब या मेरे भाभी या मेरे बहनों का सवाल है, उन्होंने जब मुझे देखा कि पढ़ते हुए समझते हुए, तो उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आई कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. मैं उसमें उनकी कोई बुराई या कोई वो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो उस स्टेज पे ही नहीं थे कि वो ये समझे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. अपनी वाइफ की जरूर तारीफ करूँगा, वो मेरी आप रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं वो बनी रही. उसने मुझे कभी भी इस चीज़ को करने में रोका नहीं, उसके कारण से ही मैं इतना आगे जा पाया. हाँ, फ्रेंड्स या समाज, जब मुझे स्पीच मिलने लगी, मुझे लेक्चर मिलने लगे, मैंने खुद ने अपने अवेयरनेस प्रोग्राम करे, निश्चित रूप से अखबारों में भी आया, कई टीवी चैनल से भी कवर किया, तो एक अलग तरह की जब ख्याति चालू हुई, तो निश्चित रूप से मेरी पूरी फैमिली को भी मेरे पे प्राउड हुआ. और आज समाज में भी बहुत ही अच्छी नज़रों से देखा जाता है. उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने निस्वार्थ काम किया, मैंने कोई स्वार्थ नहीं रखा. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी से भी किसी लेक्चर के लिए कोई पैसा नहीं लिया, किसी तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया. आज तक मैंने जो कुछ किया वो अपने उस पर किया. मेरी फाउंडेशन में आज तक, ये एक तरह से चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसके बावजूद मैंने आज दिन तक किसी से पैसा नहीं लिया. हमने जो कुछ भी किया, हम हस्बैंड वाइफ ने अपने ही पैसों से आज दिन तक. कल मुझे मालूम नहीं मुझे पैसे लेने पड़ जाएंगे इससे, हमने नहीं लिया. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि समाज को मालूम पड़ा, डॉक्टर कम्युनिटी को मालूम पड़ा. आज जिन डॉक्टर के पास मैं एज ए पेशेंट जाता था, आज जब वो मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं तो मुझे भी प्राउडफुल फील होता है, सोसाइटी को भी होता है, और निश्चित रूप से मेरे परिवार को तो होता ही होता है कि एक ऐसा इंसान जो इतनी चोट खाने के बाद, क्योंकि डायरेक्ट चोट देखिए मेरी फैमिली को लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हम हस्बैंड वाइफ ही हुए. जी, और मैं अपनी वाइफ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज भी पूरी टीम, उसको जब कल मालूम पड़ा कि मेरे को बेंगलोर में, मैंने सोच ये बोला कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, और मैं हमेशा उसको यही बोलता हूँ कि एक मीटिंग है मेरी, तो उसने आज तक कभी नहीं रोका कि क्यों जा रहे हो, अब क्यों जा रहे हो. अगर कोई सोसाइटी का फायदा होता है, मैंने आपको मेल में भी लिखा था कि अगर सोसाइटी को इतना सा 1% भी बेनिफिट होता है, आई विल बी देयर. तो यही मेरी सोच है, इसके मुझे इस सोच पे अभी तक तो गर्व है, और जब तक मेरा शरीर या मन साथ दे रहा है तो मैं इससे पीछे तो नहीं हटूंगा. बहुत सही बात है, तो इन दीज फ्यू इयर्स दैट देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ हाउ पीपल see you change and how they have changed. Mm-hmm. So do you think this kind of an outreach is very important for the wider masses? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं आपको बताऊँ, इसको और थोड़ा बड़ा करके बताऊँ तो हिंदुस्तान के अंदर आज तकरीबन 48 NGO ऐसे हो गए सपोर्ट ग्रुप जो अब रेयर डिजीज़ के लिए काम कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो पर्सनली अफेक्टेड भी हैं. तो जब मैंने काम करना चालू किया था तो गिनती में फ्यू थे, 3 या 4 थे. आज 48 से 50 NGO सपोर्ट ग्रुप काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर कम्युनिटी भी उनका सुन रही है, गवर्नमेंट भी सुन रही है. रेयर डिजीज पॉलिसीज़ की बातें हो रही हैं, रेयर डिजीज हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, रेयर डिजीज क्लिनिक्स की बात हो रही है. ये ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. अब जब लोग सुन रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी चीज़ हमारे इस जीवन में हमें मिली है, वो अगर डिफेक्टिव भी है, अगर वो बीमार भी है, तो ये सोसाइटी का, ये गवर्नमेंट का, समाज का और पर्सनल फैमिली का हक बनता है कि आप उसको जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो देने की कोशिश करो. इसका आप अपॉजिट देखें कि एक 70 साल 75 साल के हम पुरुष की या महिला की हार्ट सर्जरी के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हमें मालूम है कि ये 2 साल या 5 साल और जिएगा. तो ये जो छोटे बच्चे हैं या जो बीमार बच्चे हैं, इनके बारे से आप तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है. तो जब ये बात आती है कि ये सोसाइटी पे बर्डन है, तो मैं इसकी बहुत सख्त खिलाफत करता हूँ. ये सोसाइटी पे कैसे बर्डन है? जो चीज़ कुदरत ने हमें बख्शती है, हमारा ये हक बनता है कि हम उसे बेस्ट केयर दें. आज आपके हल्के से पेट में भी दर्द हो जाएगा तो आप फट से डॉक्टर पास जाएंगे, तो वो आपका दर्द है, पेट का दर्द, ये तो दर्द बहुत बड़ा है. तो अगर हम इसे क्योर नहीं कर सकते तो हमें एटलीस्ट इसे मैनेज करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, फैमिली का फर्ज बनता है कि
गिव व्हाट अवेलेबल ट्रीटमेंट. आप ये मत कहिए कि कुछ नहीं हो सकता है, आप ये बताइए कि क्या हो सकता है. बिल्कुल सही बात. हम इससे इन चीज़ों को हिंदुस्तान में, भारत में कई चीज़ें चेंज हो रही है. डिस्ट्रैक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से चेंज हो रही है, लोगों की पॉजिटिव सोच आ रही है. मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स लोग पॉजिटिव स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएँ. बिल्कुल. जिससे समाज पे ये जावे कि आप जैसे आप डाउन बच्चे आ जाते हैं, आज हम डाउन बच्चों को सही केयर देते हैं. तो मैं जितना समझ रहा हूँ, एक किसी एयरलाइन में सर्विस कर रहा है, एक किसी होटल मैनेजमेंट में सर्विस कर रहा है, ये अपने आप ही चेंज करता है. कि अगर आप सही ढंग से उन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो हम इन बच्चों के साथ कम से कम इतना तो कर दीजिए कि अपने अपना काम करने लायक बने. जी जी. किसी पर बर्डन नहीं बने, अपना काम ऐसा हो सकता है. जरूरत हमें सही ढंग से चीज़ों को समझने की.